फर्स्ट पार्ट डिफाइन डेंसिटी, ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, और उसके बाद एक पैरामीटर की डायग्राम दी है हमें, उसमें एक्स लेंथ है फ्रंट पे, उसकी डेप्थ मेंशन है, उसकी हाइट मेंशन है, और उसके लिए एक इक्वेशन दे दी कि जो मास है पिरामिड का वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें डेंसिटी है, हाइट है, और उसकी हर एक साइड की लेंथ को एक्स से मेजर किया गया है, और उन सबकी मेजरमेंट्स गिवेन है विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, और हमने जो फाइंड आउट करनी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है इन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते एरर्स को, हम डिवाइड नहीं कर सकते एरर्स को, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर जो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है बेसिकली, और इसमें से हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब अच्छा, अब हमने इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, यानी डेल्टा एक्स, तो हम डेल्टा एक्स को यहाँ से शफल करके उसे सब्जेक्ट बना लेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 100, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसमें जो एक्स की ओरिजिनल वैल्यू है वो है 4, और जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब है 0.2, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल होगी प्लस माइनस 0.2, ठीक है, ये हो गई इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और नेक्स्ट पार्ट, द डेंसिटी पी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट इन द टेबल, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, और डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, मास अपॉन वॉल्यूम हम बना सकते हैं खुद से, ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम से, और उन्होंने बल्कि एक इक्वेशन आपको खुद दी है ये वाली, तो इसमें भी डेंसिटी है, तो हम इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं डेंसिटी। तो हम पहले देखते हैं कि डेंसिटी जो है वो m इज इक्वल्स टू 1/3, ये इक्वेशन गिवेन है, और इससे हम अगर डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, थ्री एम ओवर एच एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात है, तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हमें क्या करना होगा, अब 3 तो कांस्टेंट नंबर है, इसको हम इग्नोर करेंगे,
परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एच प्लस टू टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर था इसलिए उसको टू टाइम्स करके लिखा है, तो सब अनसर्टेनिटीज को हम ऐड कर लेंगे ताकि हमें उसकी कंबाइन अनसर्टेनिटी पता चल जाए डेंसिटी की। अब मास के लिए अनसर्टेनिटी अगर हम देखें तो वो 2% है, टू परसेंट प्लस एच के लिए आप देखो 4%, एक्स के लिए 5%। ठीक है, इन सबको हम ऐड अप कर लेंगे और ऐड अप करने के बाद 10, 14, 16 16% तो डेंसिटी में जो अनसर्टेनिटी आएगी परसेंटेज वो 16% की होगी, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग। पार्ट सी, द स्क्वायर बेस ऑफ पिरामिड इन बी रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द बेंच और यूज टेबल फ्रॉम डेटा 1.1 टू कैलकुलेट द एवरेज प्रेशर ऑफ द पिरामिड ऑन द सरफेस ऑफ द बेंच, द अनसर्टेनिटी इन योर आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड नहीं है और एवरेज प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, उसको हम वेट के इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं और उसको एम जी ओवर ए, क्योंकि हमारे पास मास की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट होती है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मास, मास है 19.5 और उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 2। अच्छा, उन्होंने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है तो अभी हम उसको स्किप करते हैं और ये ग्राम्स में इसको केजी में लेकर आएंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 19.5 एक्सपोनेंट -3 यानी डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, ये जो एरिया होगा आपके पास इन दो को मिलाकर बन जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू है 4, तो 4 सेंटीमीटर है यानी 4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 4 मीटर्स स्क्वायर, क्योंकि वो सेंटीमीटर था उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, दो लेंथ्स कंबाइन हो जाएगी, एरिया बन जाएगा ऑटोमेटिक और इनकी कैलकुलेशन से हमें अब प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। और राउंड ऑफ 120, क्योंकि उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड नहीं है तो इसलिए हम इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास हो गया 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन यूजेस अ ट्रॉली टू मूव सूटकेस ऑन एट एन एयरपोर्ट, द टोटल मास ऑफ द ट्रॉली एंड सूटकेसेस 72 kg, द पर्सन पुशेस द ट्रॉली एंड सूटकेस अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड एंड देन रिलीजेस द ट्रॉली।
कांस्टेंट स्पीड से मूव करके रिलीज कर दिया. द रिलीज ट्रॉली मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कम्स टू रेस्ट. अज्यूम दैट अ टोटल सॉरी अ कांस्टेंट टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 80 न्यूटन. सो इट इज टोटल एंड कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 18 न्यूटन अपोजेस द मोशन ऑफ द ट्रॉली एंड सूटकेस. कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड सूटकेस व्हेन दे मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड. तो हमें पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है. मतलब ट्रॉली मूव कर रही है फॉरवर्ड और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. वन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड और टोटल रेजिस्टिव फोर्स जो है वो 18 न्यूटन की एक्ट कर रही है उस पे कॉन्स्टेंटली. और हमें फाइंड आउट करना है कि पावर कितनी होगी. हमारे पास मास है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ठीक है. पावर का वैसे फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है. लेकिन हमें पता है यहाँ पर वर्क डन ओवर टाइम तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि ना वर्क डन की वैल्यू डायरेक्ट गिवेन है ना टाइम की वैल्यू डायरेक्ट गिवेन है, ठीक है. और इसके अलावा हमें क्या करना होगा कि पावर को हम ड्राइव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है. यानी पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी. और अगर आपको याद हो ये प्रीवियस एक पेपर में इन्होंने इसका प्रूफ भी पूछा था. और वो हमने ऐसे ड्राइव किया था, वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और ये डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी बनाएगा. इस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था. तो वही ड्राइव फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं. आप चाहो तो दोबारा भी कर लो याद रखने के लिए, इतना मुश्किल नहीं है. तो अब जो है पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स ऑलरेडी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है. सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें आंसर है 25 वॉट्स. फिर नेक्स्ट पूछे कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द ट्रॉली टू कम टू रेस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड. तो जब उसे रिलीज किया था फ्रीली कांस्टेंट स्पीड से तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर पे तो आकर रुकेगी, ठीक है. तो उसके लिए टाइम फाइंड आउट करना है कि उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा. अब इसमें बहुत सिंपल सा आइडिया है. आप सारी चीजों को जमा करो. इनिशियली जो है वो वेलोसिटी 1.4 मीटर पर सेकेंड. फाइनली बॉडी जो है वो रेस्ट में आएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी 0. टाइम हमें फाइंड आउट करना है और इसके अलावा एक्सेलरेशन डिस्टेंस कुछ भी पता नहीं हमें. ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है वो अननोन है, इसके बारे में हमें वैल्यू नहीं पता. तो अब इसमें हमें देखना है कि एक्सेलरेशन जैसे अननोन है तो एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए से, क्योंकि मास तो गिवेन है 72. तो हम सबसे पहले यूज करेंगे एफ इक्वल्स टू एम ए. नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स जो है वो 18 है लेकिन क्योंकि वो रेजिस्टिव है तो वो माइनस होगी क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. मास 72 इनटू ए, तो 18 डिवाइडेड बाय 72 0.25.
यहाँ पर -18 इसलिए लिया क्योंकि सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स के बारे में हमें पता है, फॉरवर्ड फोर्स जो भी हो, बस उन्होंने हमें रेजिस्टिव बता दी, कॉन्स्टेंटली अप्लाई हो रही है, मतलब उन्होंने रिजल्टेंट ही निकाल के बताया है। और क्योंकि ये ऑपोजिट होती है इसलिए हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं, और कोई लॉजिक नहीं है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, अब हम एक वैल्यू और यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, हमें ये वैल्यू मिल गई 0.25। और अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन एक यूज कर सकते हैं, इसमें से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू 5.6। माइनस माइनस साइन ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे और टाइम की वैल्यू पॉजिटिव 5.6। पार्ट बी, एट अनदर प्लेस इन दी एयरपोर्ट द ट्रॉली एंड द सूटकेस आर ऑन अ स्लोप। ठीक है, यहाँ पर एक फॉरवर्ड फोर्स उन्होंने शो की है, बैकवर्ड फोर्स वही 18 न्यूटन की है, डिस्टेंस एक्स से वाई तक 9.5 है और स्लोप दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, रेस्ट पॉइंट एक्स पे वो रेस्ट में थी, वहां से स्टार्ट किया, 3.9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया वाई तक, और द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रॉली एंड द सूटकेस दैट एक्स अलोंग द स्लोप इज 54। और कॉन्स्टेंटली अभी भी 18 न्यूटन की फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं हमने फाइंड आउट क्या करना है। स्पीड ऑफ ट्रॉली एट पॉइंट वाई, तो स्पीड ऑफ ट्रॉली की बात करें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, और एक्स पोजीशन पर जो है वो बॉडी रेस्ट में है, यानी अगेन इनिशियल स्टेट हम 0 से लेंगे। ठीक है, और अब थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई, यानी फोर्स आ गई अब हमारे पास फॉरवर्ड, और ये रेजिस्टिव फोर्स आ गई। हम अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो लास्ट पार्ट में हमने यूज किया, एफ इक्वल्स टू एम ए, लेकिन इस बार क्योंकि दोनों फोर्सेस गिवन है, हम 54 माइनस 18 करेंगे इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 54 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 72, 0.5। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, और इस बार जो है वो पॉइंट वाई पे हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड, यानी हमें फाइनल स्पीड की वैल्यू चाहिए, और टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता, डिस्टेंस पता है, लेकिन इस बार हमें डिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो हम ऐसी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें डिस्टेंस इंक्लूड हो। इसमें से हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी 0 थी क्योंकि बॉडी रेस्ट स्टेट में थी। नाइन पॉइंट फाइव
अंडर रूट करेंगे 3.08, 3.1, 2nd पार्ट कैलकुलेट द वर्क डन बाय एफ फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रॉली फ्रॉम एक्स टू वाई. वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम एक्स टू वाई. वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू डी. फोर्स की वैल्यू 54, डी की वैल्यू 9.5. 54 इंटू 9.5 513. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 510. द ट्रॉली इज रिलीज एट पॉइंट एक्स एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो. ऑन फिगर 2.2 स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स एफ फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रॉली फ्रॉम एक्स टू वाई. तो जो भी एक्स से वाई तक वर्क डन हुआ वो और टाइम इसके साथ आपने जो है वो लिंक करके इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है और न्यूमेरिकल वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वर्क डन और टाइम की बात हो रही है, ठीक है. और वर्क डन और टाइम का मतलब ये कि वर्क डन इक्वल होता है एफ इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और अब हमें ये देखना है कि वर्क डन और टाइम का लिंक कैसा बनेगा, डायरेक्टली बनेगा, इनवर्सली बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बता पाएंगे. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ, और ये जो डी है ना, डी की जगह पर अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें से अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट स्टेट में थी, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. तो डिस्टेंस की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगी. और हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब यहां पर आप देखो फोर्स है 1/2 और ए. तो अगर हम वर्क डन और टाइम को देखें तो वर्क डन और टाइम का जो लिंक है वो डायरेक्टली है एक दूसरे के साथ, और डायरेक्टली होने का मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन स्क्वायर में. स्क्वायर टर्म का मतलब है कि कर्व लाइन बनेगी आपके पास, लीनियर नहीं बनती. तो इसलिए यहाँ पर ग्राफ जो होगा वो कर्व बनाएंगे, क्योंकि अगर इनका डायरेक्ट लिंक होता विदाउट स्क्वायर के तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है तो उसमें लाइन कर्व जाएगी. सर, हम डी को अगर वी टी से सब्सटीट्यूट करें तो डी स्क्वेयर तो नहीं होता। डी को हम वी टी से अगर सब्सटीट्यूट करें, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि बॉडी जो है ना वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी तो उसने एक्सेलरेट किया. एस इक्वल्स टू वी टी हम तब करते हैं जब वो कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक्स से वाई कांस्टेंट थी, ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं थी क्योंकि बॉडी जीरो से स्टार्ट हुई और उसने जाकर किसी वैल्यू को रीच किया. वो खैर अभी कहीं से हमसे कैलकुलेट, बल्कि 3.1 है, तो वो यहाँ पर आकर 3.1 के इक्वल हो गई. तो अगर थ्रू आउट पूरे पाथ में 3.1 वैल्यू होती तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम वी टी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी तो ऐसी इक्वेशन यूज करनी जिसमें एक्सेलरेशन कंपलसरी इंक्लूड हो, ठीक है. तो या तो वो एस इक्वल्स टू यू टी वाली इक्वेशन वरना 2s वाली है. तो दोनों में आप देखो
स्क्वायर तो आएगा, ठीक है, और 2as वाली में तो बल्कि टाइम है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ये लॉजिक है, अगर वो कहते हैं कि थ्रू आउट एक्स से वाई कांस्टेंट है, मतलब वो कहते ही नहीं कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो फिर हम वो यूज करते, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो हुई नहीं वहां पर, हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट इसलिए सबसे पहले की थी ताकि ये चीज क्लियर रहे कि एक्सेलरेशन हो रही है यहाँ पर बॉडी में, जिसकी वजह से चेंज आ रहा है। और इसका लास्ट पार्ट, द एंगल ऑफ द स्लोप इन बी पार्ट इज कॉन्स्टेंट, और द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हील्स ऑफ मूविंग ट्रॉली आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट। एक्सप्लेन वाई इन प्रैक्टिस इट इज इनकरेक्ट टू एज्यूम दैट द टोटल रेजिस्टिव फोर्स Opposing the motion of the trolley and suitcase is constant as the trolley moves between X and Y. तो अब यहाँ पर अभी अब वही दोबारा से वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, यानी स्पीड इंक्रीज कर रही है, और फ्री फॉल मोशन में भी हमने देखा कि जब स्पीड इंक्रीज होती है एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई इन प्रैक्टिस इट इज इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट टोटल रेजिस्टिव फोर्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी बॉडी पर, फ्रिक्शन चलो कांस्टेंट हो लेकिन होगी नहीं, क्योंकि स्पीड आप चेंज कर रहे हो, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा नहीं हो रही तो कम तो होगी, तो चेंज तो आएगा दोनों में, तो लॉजिकली अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर स्पीड कॉन्स्टेंट होगी तो फिर हम ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस बैलेंस्ड है, लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेजिस्टिव फोर्सेस आर ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, सो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस स्पीड, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो स्पीड के साथ इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर 3.1, और उसके बाद डायग्राम में आप देख सकते हो काफी सारी मार्किंग की है, मोमेंटम मेंशन है, हाइट मेंशन है, और थ्रेड की पूरी लेंथ मेंशन है। स्फीयर स्विंग्स फ्रॉम साइड टू साइड एट वन इंस्टेंट द स्फीयर इज एट इट्स लोएस्ट पोजीशन एक्स वेयर इट हैज काइनेटिक एनर्जी 0.86 जूल्स एंड मोमेंटम 0.72 न्यूटन सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अ शॉर्ट टाइम लेटर द स्फीयर इज एट पोजिशन वाई वेयर इट इज मोमेंटरिली स्टेशनरी एट अ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एच अबव पोजिशन एक्स, ठीक है। सारी चीजें जो है वो उन्होंने डायग्राम में ड्रॉ करके दी है, और उसकी एक फिक्स लेंथ है, और वेट उसका नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। यहाँ तक हो गई हमारे पास सारी चीजें जो डायग्राम में है, और अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं। ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ अ सॉलिड लाइन टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है।
एक लाइन ड्रॉ करनी है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर एट पोजीशन वाई फ्रॉम एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में होती है, और एक्स और वाई के मिड में सेंटर भी उन्होंने मार्क किए हुए हैं, तो हम उन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सिंपल। और उसके बाद कह रहे हैं शो दैट द मास ऑफ द स्फीयर इज 0.30 kg। मास को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवेन है। काइनेटिक एनर्जी गिवेन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में भी मास आता है, तो यही यूज करनी पड़ेगी हमें। मोमेंटम आ गया, वर्टिकल हाइट अननोन है। हाँ, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और ये थ्रेड की लेंथ हमें पता है, बाकी और कोई वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हमने कैसे लिखा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू गिवन है, ठीक है, मास और वेलोसिटी इंडिविजुअल गिवन नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम एक और मास की वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने से होगा ये, हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एम। तो ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो है ना, वो मोमेंटम का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2m। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने ऐसे बनाई है। ठीक है, हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू तो है, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, मास की भी नहीं है, तो इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इनको कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद मोमेंटम की वैल्यू है, जीरो पॉइंट सेवन टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अच्छा, मास की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी 0.86। अब हम इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। पॉइंट सेवन टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 0.86, 0.3। ठीक है, जो उन्होंने मास कहा था वो प्रूफ हो गया, 0.30 kg। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डायग्राम में हमने देखा था हाइट भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो वो अब हाइट फाइंड आउट करनी है। और हाइट फाइंड आउट करने के लिए वैसे तो बहुत एक सिंपल सा हमारे माइंड में आइडिया है,
कि हम काइनेटिक और पोटेंशियल को रिलेट करा के उसमें से हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब मूव करके वो हाइट पे जाएगा तो वो काइनेटिक को पोटेंशियल, फिर वापसी आएगा पोटेंशियल से काइनेटिक, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल, इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 0.86। अब मास फाइंड आउट कर चुके हैं हम, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट होती है, एच इसमें से हम फाइंड आउट कर लेंगे। 0.3 अभी मास फाइंड आउट किया, ये 9.81, तो 0.86 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 9.81। इसका आंसर भी 0.29 आ रहा है, इसका मतलब है ये भी ऑलमोस्ट 0.3 के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज, सेंटर ऑफ स्फीयर और पॉइंट पी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.93 है। ठीक है, वो जो हमने स्टार्ट में देखा था पूरे थ्रेड से वर्टिकल लेंथ की बनती, और व्हेन स्फीयर इज एट पोजीशन वाई द स्ट्रिंग इज एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल शो दैट एंगल इज 47। ठीक है, अब एंगल को प्रूफ करना है कि वो 47 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम डायग्राम पे आते हैं एक बार, इसमें आप देखो ये वाली लेंथ 0.93 की वो बात कर रहे हैं जो कि पी से लेके स्फेयर के सेंटर तक आ रही है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास ये थ्रेड अभी इस पोजीशन में आएगा तो यहाँ भी 0.93 होगा, वर्टिकल जब आएगा ये तब भी 0.93 होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो थ्रेड के साथ है। और ये वाली जो लाइन है जो 0.29 की है, अब यहाँ पर ये जो एक्स वाई की वैल्यू है, और अगर हम यहाँ पर इसको ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज ये आ गया वर्टिकल, ठीक है, तो आप देखो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में क्या होगा कि ये 0.93 में से 0.29 को अगर हम माइनस करें होगा 0.64, यानी ये वाली लाइन वर्टिकल वाली 0.64 है, क्योंकि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंसिडर कर रहे हैं, नीचे हाइट वाली लेंथ को इंक्लूड नहीं किया। और ये वाला थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम ही रिप्रेजेंट करेंगे। और अब हम इसको फॉर्मूला में यूटिलाइज करते हैं। अब ये वाली लाइन हमारे पास बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर आ गया और ये हाइपोटेन्यूस आ गया। तो हम लगाएंगे कॉस थीटा,
0.64 डिवाइडेड बाय 0.93 कॉस इनवर्स इक्वल होगा 0.64 डिवाइडेड बाय 0.93 इज इक्वल्स टू 0.68। और इसको कॉस इनवर्स कर लेंगे फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव यानी राउंड फिगर ये इक्वल हो जाएगा 47 के। उसके बाद पार्ट ई है फॉर द स्फीयर एट पोजीशन वाई कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इट्स वेट अबाउट पॉइंट पी। अब मोमेंट फाइंड आउट करना है उसके वेट का अबाउट पॉइंट पी पर आकर पॉइंट पी। अच्छा इसका जो वेट एक्ट करेगा बेसिकली वो तो डाउनवर्ड होगा ठीक है, और डाउनवर्ड की वजह से अब हमें मोमेंट का फॉर्मूला तो पता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होगा। उसके लिए ट्रायंगल हमारे पास यही सेम है अभी ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ है ना ये बेसिकली है इसका डी, ये हमें नहीं पता ठीक है। तो ये डी की वैल्यू बस एक अननोन है, बाकी तो सारी वैल्यूज हमें पता है। तो अब ये डी की वैल्यू हम सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व कर सकते हैं डी के लिए। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। बेसिकली हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। और डी की वैल्यू इक्वल होगी 0.93 स्क्वायर माइनस 0.64 स्क्वायर 0.675। ठीक है ये डी की वैल्यू आ गई। और उसके बाद जो है अब हम मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं एफ इंटू डी। अच्छा फोर्स भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम मास और उससे काम चलाएंगे। मास 0.3 है हम वेट का रेफरेंस लेंगे क्योंकि उन्होंने भी वेट की वैल्यू दी थी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप वेट से रेफरेंस ले सकते हो 0.3 9.81 0.67 0.02 एक मिनट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई 0.67 1.97। और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज स्टेशनरी एट पोजीशन वाई। स्फीयर इक्विलिब्रियम में है व्हेन इट इज स्टेशनरी एट पोजीशन वाई ये हमने बताना है। पोजीशन वाई ठीक है, पोजीशन वाई वही वाली है जिसमें अभी स्फीयर आपके सामने बना हुआ है ये।
तो यहाँ पर हमें पता है कि स्फीयर ऐसी पोजीशन पे है कि इस पे मोमेंट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, सम ऑफ ऑल मोमेंट जीरो होनी चाहिए, लेकिन इस पे रिजल्टेंट फोर्स भी एक्ट करेगी, क्योंकि जब कंपोनेंट्स बनेंगे और मोमेंट तो अभी हमने फाइंड आउट किया ही है, तो इसकी वजह से आप सिंपल बोल सकते हो कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में इस पोजिशन, इस पॉइंट पर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, एंड मोमेंट एक्टिंग एट पॉइंट वाई तो बॉडी इज इन नॉट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी फोर्सेस मोमेंटम के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तीन क्वेश्चंस थे, और अब हमारे पास जो है वो वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट शुरू हो गया। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा है फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ की डेफिनेशन बतानी है, सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद है लाइट ऑफ वेव फ्रॉम अ लेजर हैज अ वेवलेंथ ऑफ 460 नैनोमीटर इन अ वैक्यूम, और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सिंपल है। इसमें सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद ही फिर हम वन ओवर एफ करके टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा और एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा। जैसे हम पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि लाइट की बात हो रही है तो हम स्पीड ऑफ लाइट ही यूज करेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 460 नैनोमीटर, ठीक है, -9।
6.5 एक्सपोनेंट 14 और उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। वन पॉइंट फाइव एक्सपोनेंट माइनस 15 ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। पार्ट सी, द लाइट फ्रॉम द लेजर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग एंड डिस्क्राइब द डायफ्रेक्शन ऑफ द लाइट वेव एट द ग्रेटिंग। तो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में हमारे पास ये होता है कि वो नैरो लाइंस बनी होती हैं बहुत सारी, उनमें से लाइट पास होती है और उसके बाद वो स्प्लिट हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। लाइट पासेस थ्रू नैरो स्लिट्स एंड स्प्रेड आउट इनटू डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज यूज विद डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। सो विजिबल लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को यूज किया है और दी एंगल थीटा ऑफ फोर्थ ऑर्डर का मैक्सिमा यूज किया है फ्रॉम द जीरो ऑर्डर सेंट्रल मैक्सिमम इज मेजर्ड फॉर ईच वेवलेंथ। द वेरिएशन विद वेवलेंथ ऑफ साइन थीटा इज शोन। तो जो जो चेंज आया है वेवलेंथ में एंगल के साथ वो उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो कर दिए, यानी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जितनी भी वैल्यूज थी उन सबका जो है वो चेंज रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर्मूला हमें पता है कि एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, यानी लैम्डा और साइन थीटा की अगर बात करें ठीक है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये एक्स एक्सिस पर है और साइन थीटा वाई एक्सिस पर है, और वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो वाई तो है हमारे पास, इस डी को अगर हम शफल कर दें तो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी। वाई की जगह साइन थीटा है, एम की जगह पर एन ओवर डी है और एक्स की जगह पर लैम्डा है ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन रही है। तो स्लोप आपको एन ओवर डी की वैल्यू बताएगा बेसिकली। तो क्वेश्चन में भी यही है, ग्रेडियंट ऑफ वैल्यू जी फाइंड आउट करनी है। तो वो तो खैर अभी हमने मेंशन किया है, उसी को हम यहाँ पर दोबारा मेंशन कर देते हैं। एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन ओवर डी ओ इंटू लैम्डा, और अकॉर्डिंग टू वाई इज इक्वल्स टू
ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू ऑफ जी जो है, यानी ग्रेडियंट एन ओवर डी के इक्वल है, ग्रेडियंट इक्वल है एन ओवर डी के, और डी की अगर हम बात करें एन ओवर जी, और क्योंकि उन्होंने फोर्थ ऑर्डर कहा था, तो एन की जगह पर फोर आ जाएगा, फोर ओवर जी, ये हो गई डी की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गया वेव वाला। ऑन फिगर 4.1 स्केच अ सेकंड ग्राफ, टू शो दैट द रिजल्ट्स दैट वुड बी ऑब्टेन फॉर द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए अब हमने चेक करना है कि क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है, और वो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की वैल्यू को अभी जो जी की वैल्यू थी वो थी 4 ओवर डी, ठीक है, और अब जो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं वो है टू ओवर डी, ये हमारे पास न्यू वैल्यू है। सो अब हमने ये देखना है टू ओवर डी हमें कहाँ मिल रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हाफ करना है, ठीक है, अब आप यहाँ से देख लो टोटल 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो 6 बॉक्सेस को हम 3 पे ले आते हैं, 1 2 3, ये हो गया हाफ। यहाँ से भी 10 बॉक्सेस हैं, इसको हाफ पे ले आते हैं, ये हो गया हाफ, इसको हम मैच करते हैं और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास लास्ट पार्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट किरचॉफ सेकंड रूल और सेकंड लॉ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड था, यानी सम ऑफ ईएमएफ जो होगा वो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होता है। एक क्लोज लूप में पार्ट बी, पार्ट बी में ईएमएफ है 4 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.35 ओम्स। द बैटरी इज कनेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर एक्स वाई एंड अ फिक्स रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये कुछ सेटअप है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टर भी लगा हुआ है, और ईएमएफ जो है वो 4 है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये ईएमएफ है, और एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस की लेंथ की वायर कनेक्टेड है एक्स वाई
एक्स वाई की रेजिस्टेंस भी गिवन है 0.9, पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 है, सबसे पहले करंट फाइंड आउट करना है, बेसिक क्वेश्चन है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने दैट पास अ पॉइंट इन द बैटरी इन अ टाइम ऑफ 45 सेकेंड्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने जो इतने टाइम में पास हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चार्जेस का पता होना चाहिए। चार्जेस की वैल्यू है क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, और आई की वैल्यू अभी फाइंड आउट किए 2, और टी की वैल्यू है 45, हो जाएगा 90 कूलम्स। 90 कूलम्स के चार्ज हो गए, और अभी हम इसको एलिमेंट्री चार्ज यानी 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड कर देंगे टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। नाइन्टी डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, 5.6 एक्सपोनेंट 20। रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर की फाइंड आउट करनी है अब हमने। सबसे पहले फॉर्मूला यही आएगा हमारे माइंड में, और यहाँ पर ये जो वी की बात हो रही है ये टोटल होगा यानी जो ईएमएफ की वैल्यू है वो, और रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल, क्योंकि सर्किट में हमारे पास ऑलरेडी इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टर फिक्स जो वैल्यू है आर, और ये वायर इनकी रेजिस्टेंस गिवन है, सिर्फ ये आर की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, इस वाली की, बाकी हमें सारी वैल्यूज गिवन है। तो ईएमएफ हो गया 4, करंट की वैल्यू हो गई 2, और ये है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं ये टोटल रेजिस्टेंस का आंसर आएगा 2 ओम्स, ठीक है। अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की फाइंड आउट कर ली, अब हमें ये देखना है कि ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी और वायर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.9 प्लस 0.35 और वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा है ना उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। टोटल अभी हमने फाइंड आउट किया 2, हो जाएगा 2 -0.9 ठीक है, तो 2 0.75। उसके बाद सेल है ईएमएफ का 12 वोल्ट्स,
सॉरी 1.2 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सर्किट इन पार्ट बी एज शोन इन फिगर 5.2। एक और सेल कनेक्ट कर दिया यहाँ पर 1.2 का, और एक कनेक्शन पी भी आ गया एक्स वाई वायर के साथ। गैल्वानोमीटर की रीडिंग अभी 0 है जब वो इस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स पी, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है। ये 0.30 है अभी फिलहाल। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ कैपिटल एल ऑफ वायर एक्स वाई। ये भी 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है, अच्छा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 1.2 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, और ये आपको 0.30 की लेंथ तक जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इस पूरी लेंथ को अगर देखें तो ये वायर की पूरी लेंथ जो थी ये रही, पूरी एक्स वाई को जो पोटेंशियल मिल रहा था वो था 1.8 का, जो इस वायर का पोटेंशियल था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो ईएमएफ है सेल का वो 1.2 है, और उसके लिए आपने जो लेंथ सेलेक्ट की हुई है वो 0.30 वाली है, ठीक है। अगर हम फुल पोटेंशियल लें ओरिजिनल वाला 1.8 जो पहले वायर में गिवन था, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आप फुल पोटेंशियल मार्क करते हो ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, कि जितनी ज्यादा हम लेंथ इंक्रीज करते हैं उतना ज्यादा जो है वो पोटेंशियल मिलता है आपको। जीरो पॉइंट फोर फाइव, और उसके बाद लास्ट पार्ट है द फिक्स रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट फिक्स रेजिस्टर। एक फिक्स रेजिस्टर को दूसरे फिक्स रेजिस्टर से रिप्लेस किया, और उसकी रेजिस्टेंस आर से ग्रेटर है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट मस्ट बी मेड टू द पोजिशन ऑफ पी ऑन द वायर सो दैट द गैल्वानोमीटर रीडिंग इज 0। तो अब हमें इस लेंथ में जो अभी 0.3 रखी थी, इस लेंथ में क्या चेंज करना पड़ेगा कि आपके पास जो रेजिस्टेंस मतलब ये गैल्वानोमीटर जो 0 डिफ्लेक्शन दे रहा था वो 0 ही मिले आपको, ठीक है। मतलब अब जो न्यू रेजिस्टेंस हम लेकर आए हैं वो ग्रेटर है, ठीक है, और ग्रेटर होने का मतलब है कि वोल्टेज भी आपको इंक्रीज होकर मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज इंक्रीज होकर मिलेगा तो इसका जो वोल्टेज है ना 1.8 जो था, ये वाला वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उस रेजिस्टर ने ज्यादा वोल्ट कंज्यूम कर लिया, इस वाले रेजिस्टर सॉरी इस वाली लेंथ के लिए वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि चेंज क्या कर सकते हैं हम। अब लेट्स सपोज आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि ये वाली जो लेंथ है इसको हम कंसिडर करते हैं एल टू, और जो फुल लेंथ है इसको कंसीडर करते हैं एल वन, ठीक है। और इसकी इक्वेशन लिंक हमने जिस तरह से की थी
जितनी लेंथ उतना वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हुआ ये कि जो V1 की वैल्यू है, ये तो हो गई डिक्रीज, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखा ये V1 की वैल्यू डिक्रीज हो गई क्योंकि इसने वोल्ट ज्यादा ले लिया जो न्यू रेजिस्टर के साथ आया, ठीक है। और L2 डिवाइड बाय L1 की वैल्यू रह गई, तो V2 की वैल्यू भी अब क्या होगा, वो भी 1.2 से कम हो जाएगी, क्योंकि V1 जब कम हो गया तो V2 की वैल्यू भी उसके साथ डायरेक्टली लिंक थी, उसमें भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। लेंथ का तो हमें पता नहीं है क्योंकि लेंथ के बारे में तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या चेंज करें कि आपको जो वोल्टेज है वो सेम वही जीरो रीडिंग मिले गैल्वानोमीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितना भी हमने देखा उसके अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो हमें अभी क्लियर हो गई। अब हमें वायर को कहाँ पर मूव करना है ये बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस पोटेंशियल को वापस लेकर आना है। अभी हमारे पास पोटेंशियल कम हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल वापस 1.2 पर लेकर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस लेंथ को पी, ये वाले पॉइंट को हमें यहाँ लेकर आना पड़ेगा, मतलब वाई की तरफ, ठीक है। तो जाकर लेंथ इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा से 1.2 पर आएगा, गैल्वानोमीटर दोबारा से जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो फाइंड द नल पॉइंट मूवेबल कॉन्टैक्ट मूव टूवर्ड्स वाई, तो हम इसको वाई की तरफ मूव कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट भी इस पेपर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे वाला कॉन्सेप्ट जो था ये वायर वाला, ये काफी बार मतलब ये लोग पूछते हैं इस तरह से, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग यहाँ तक देखे, इसमें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, ये वाले तो इजी थे, बस इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि कैसे आइडिया करना है। और ये वाले पेपर के भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए।